हे गाइस वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की क्लास नंबर सेवन को डिस्कस किया जाएगा और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फिफ्टी रहने वाले हैं और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन है द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शंस एज अ कैश रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल एंड ओ रीडर इज दी तो इसका राइट right आंसर रहने वाला है आपका ओ एस टर्मिनल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है द नेक्स्ट वन इज एम आई सी आर स्टैंड फॉर तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशंस तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नेक्स्ट वन इज विच फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर्स तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डिजिटल कैमरा माइक्रोफोन स्कैनर तो ऑल ऑफ अबव यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट so, है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज डिजिटल कैमरा तो डिजिटल कैमरा आपकी इनपुट डिवाइस है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नेक्स्ट वन इज यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन तो इसका राइट right आंसर रहने वाला है आपका व्यू और प्रिंट डाटा तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही जवाब है व्यू और प्रिंट डाटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरटी स्टैंड फॉर तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी कैथोड रे ट्यूब तो ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट वन इज सी आर टी इज ए तो सी आर टी क्या है तो सी आर टी एक वैक्यूम ट्यूब है तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर इज ए तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका वीडियो मॉनिटर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नेक्स्ट वन इज द फिलिंग द ब्लैंक टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर फ्लैट पैनल डिस्प्लेज तो इसमें प्लाज्मा और एल का यूज़ किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट वन इज द टर्मिनल डिवाइस ऑफ वन यूज इन चेकिंग चार्ज कार्ड्स एंड दैट ऑफर्स बोथ लिमिटेड कीबोर्ड इनपुट एंड विजुअल आउटपुट इज दी तो इसका राइट right आंसर रहने वाला है आपका वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट वन इज़ वट इज़ द नेम ऑफ कंप्यूटर टर्मिनल विच गिव्स पेपर प्रिंट आउट तो इसका राइट आंसर रहेगा हार्ड कॉपी टर्मिनल ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट right आंसर है नेक्स्ट वन इज डेजी व्हील प्रिंटर इज ए वट टाइप ऑफ प्रिंटर तो ये है आपके इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट वन इज एनदर वर्ड फॉर अ डेजी व्हील प्रिंटर इज तो इसका राइट right आंसर रहने वाला आपका गोल्फ वॉल प्रिंटर को कहा जाता है नेक्स्ट वन इज विच द फॉलोइंग प्रिंटर टिपिकली यूज इन लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स तो ये आपके लाइन प्रिंटर्स यूज किए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है नेक्स्ट वन इज लेजर प्रिंटर इज इन्वेंटेड एट तो इनको इन्वेंट किया गया है जेरोक्स 1969 में तो जेरोक्स एक कंपनी का नाम है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा फिलिंग द ब्लैंक्स इज आल्सो नोन एज इंकलेस प्रिंटर तो इंकलेस प्रिंटर कौन से होते हैं दो तो थर्मल प्रिंटर होते हैं वो होते हैं आपके इंकलेस प्रिंटर तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द फॉलोइंग्स फिलिंग द ब्लैंक्स इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफर तो राइट आंसर रहेगा आपका फायर वायर ऑप्शन नंबर बी फायर वायर नेक्स्ट वन इज विच आर द फॉलोइंग काइंड ऑफ डिवाइसिज अलाउ द यूजर टू एड कंपोनेंट्स एंड कैपेबिलिटीज टू अ कंप्यूटर सिस्टम तो इसका राइट आंसर रहेगा एक्सपेंसन स्लॉट्स एक्सपेंसन स्लॉट्स ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर ई इसमें सही जवाब है एक्सपेंशन स्लॉट्स इसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज टू कनेक्ट डिवाइस सच एज माउस एंड तो इसका राइट आंसर रहेगा सीरियल पोर्ट तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट वन इज इन एम आई सी आर सी स्टैंड फॉर तो हमने इसमें पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर तो सी स्टैंड फॉर करेक्टर ऑप्शन नंबर डी इसमें और तो बिल्कुल सही जवाब है एन इनपैक्ट प्रिंटर दैट यूज एन इंटरचेंजेबल रोटेटिंग प्रिंटिंग यूनिट फॉर हार्ड कॉपी आउटपुट इज दी तो राइट आंसर रहेगा इसमें डेजी व्हील प्रिंटर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स प्रिंटर्स यूज ड्राई इंक पाउडर तो ये यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर के द्वारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट वन इज वेन यू आर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन ए पी सी द डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड इन तो डॉक्यूमेंट कहा स्टोर होते हैं ये रैम में और रैम की फुल फॉर्म आपको पता नहीं है कमेंट बॉक्स में इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फिल इन द ब्लैंक रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सिमेटली वन मिलियन मेमोरी लोकेशन तो ये होती है आपके गीगाबाइट ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट वन इज अ थर्टी टू बिट वर्ड कंप्यूटर कैन एक्सेस डैश डैश वाइट एट अ टाइम तो ये हो गया आपके फोर वाइट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज विलियंथ ऑफ अ सेकेंड तो ये होते हैं आपके नैनो सेकेंड ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है नेक्स्ट है द एनालिटिक इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज इन द ब्लैंक्स एज अ मेमोरी यूनिट तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका काउंटर व्हील्स ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसिज द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल एंड डाटा बेस तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट वन इज द इंटरनल मेमरी इंटरनल मेमरी कंसिस्ट ऑफ तो ये बनी होती है आपकी प्राइमरी uh, मेमरी से कैश मेमरी से एंड सी पी रजिस्टर मतलब इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट वन इज थ्रू फिलिंग द ब्लैंक्स इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन दी मदर बोर्ड तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी फ्लैश मेमोरी ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी इज दी मोर डेजेस देन सेकेंडरी मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी ये ज़्यादा फास्ट होती है दैन सेकेंडरी मेमरी से स्टोरेज दैट रिटेन्स इट डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर्ड टू एज तो इसको कहा जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट है मेमोरीज मेड अप ऑफ मेमोरी बनी होती है किससे ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट वन इज मेमोरी इज करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ तो इसका राइट आंसर रहेगा एक्सेस टाइम एंड कैपेसिटी मतलब ऑप्शन नंबर बी एंड सी बिल्कुल सही है मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा बोथ बी एंड सी नेक्स्ट वन इज विच इज द फॉल्विंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इमेजिंग वॉइस ग्राफिक्स मतलब ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है नेक्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज द राइट आंसर है विट ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कार्ड तो उसको कहा जाता है आपका रूट डायरेक्ट्री रूट डायरेक्ट्री नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द क्लास ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन एक्सेस स्टोरेज लोकेशन इन एनी ऑर्डर इज तो इसका राइट right आंसर रहेगा डी ए एस डी और डी ए स्टैंड फॉर डी एस टी स्टैंड फॉर द डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रोम रैम सी पी ओ एंड एक्सपेंसन कार्ड्स तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मदरबोर्ड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमरी डज ए कंप्यूटर हैव तो कंप्यूटर में कितने टाइप की मेमरी होती है दो टाइप की मेमरी तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट वन इज द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमरी आर तो ये होती है आपकी रैम एंड रोम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट वन इज अ अट रेफर्स टू ये होता है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट वन इज हाफ वाइट इज नोन एज तो हाफ वाइट होता है आपका निबल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट वन इज अ अट इज इक्वल टू तो इक्वल टू होते गिगावाइट एक हजार चौबीस मेगावाइट के ये इक्वल होते हैं नेक्स्ट वन इज द परफॉर्मेंस ऑफ रैम इज अफेक्टेड वाई तो इसको अफेक्ट किया जाता है आपका बोथ ए एंड बी मतलब एक्सेस स्पीड एंड डाटा ट्रांसफर यूनिट से तो बोथ ए एंड बी इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा नेक्स्ट वन इज द रैम इज आल्सो कॉल्ड एज रैम को क्या कहा जाता है आपका ये एक वोल्टाइल मेमोरी है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा रैम एक वोल्टाइल मेमोरी है इसके बाद है टू डेज रैम्स कॉमन फॉर्म इज विल्ड विद तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सेमी कंडक्टर आईसीज तो ये सेमी कंडक्टर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उसे बनी होती हैं ये इसके बाद है रोम स्टैंड फॉर ये होता है रीड ओनली मेमोरी तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी नेक्स्ट वन इज रोम इज कम्पोज ऑफ तो रोम में क्या क्या होते हैं तो बेसिकली ये होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स इज द परमानेंट मेमोरी वर्ल्ड इन टू योर कंप्यूटर कार्ड कहा so, जाता है आपका रैम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है तो गाइज ये था लेक्चर नंबर सेवन सेट नंबर सेवन कैसा लगा वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर